पृथ्वी दिवस का वार्षिक आयोजन 22 अप्रैल को दुनिया भर में पृथ्वी की सुरक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है, जिससे पृथ्वी पर उपस्थित पेड़ पौधे, मानव, स्थलीय, जलीय जीव जंतु, पक्षियों व वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन का संतुलन बना रहे। इसी क्रम में इस समय कोविड-19 संक्रमण, जो कि इस समय वैश्विक महामारी के रूप में व्याप्त है, साथ ही भारत में भी कोविड-19 संक्रमण ने दस्तक दे दी है और लोग इस संक्रमण से प्रभावित हो रहे हैं। विश्व के देशों के साथ साथ भारत में भी प्रधानमंत्री द्वारा संपूर्ण देश में लॉकडाउन लागू किया गया है, जिससे लोग इस संक्रमण के प्रभाव में न आए एवं सुरक्षित रहे। इसी क्रम में चुनार नगर में भी लॉकडाउन के दौरान यातायात, परिवहन, उद्योग धंधे बंद है, साथ ही प्रदूषण कारक इकाइयां बंद है। दूसरी तरफ पेड़ पौधे, स्थलीय एवं जलीय जीव जंतु व पक्षियों के बच्चड़ व चरण में कमी आई है, जिससे न केवल प्राकृतिक में सुधार व उन्नति हुई है, बल्कि वातावरण भी शुद्ध व स्वस्थ प्रतीत हो रहा है। पृथ्वी पर उपस्थित पेड़ पौधे, स्थलीय एवं जलीय जीव जंतु, पंछी सभी को शांति, सुकून व शांत और स्वच्छ वातावरण की प्राप्ति हो रही है। साथ ही औद्योगिक गतिविधियों या यातायात परिवहन के रूप में से हानिकारक गैस, जिसमें क्रमशः कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरो कार्बन के उत्सर्जन में भारी कमी आई है, जिसके परिणाम स्वरूप इन गैसों के वातावरण में न जाने से वातावरण शुद्ध होता जा रहा है व कहीं न कहीं वैश्विक समस्या ग्लोबल वार्मिंग में भी कमी आई है एवं पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, पक्षियों को राहत मिलती नजर आ रही है। कैलहट चुनार से हमारे संवाददाता धीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।